सावन के पावन माह में चारों ओर शिव की भक्ति का दौर चल रहा है। सोमवार को शिवालयों में भगवान की भक्ति का दौर, ऐसे में रूनीजा माधोपुरा स्थित भगवान खाल पर बरसों पुराने नवग्रह मंदिर पर अज्ञात बदमाशों द्वारा शिवलिंग को जलाधारी से उखाड़ कर ले जाने या फेंक देने से हिंदू धर्मावलंबियों में भारी तनाव हो गया है। बड़ी संख्या में हिंदू धर्मावलंबी उपस्थित हो चुके हैं। भाटपचलाना थाने से पुलिस फोर्स पहुंच चुका है और खोजबीन की जा रही है आखिर शिवलिंग कहां गया। वहीं आरएसएस बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के नेता भी घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं और कह रहे हैं कि जब तक आरोपियों को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक नई मूर्ति की स्थापना नहीं करने दी जाएगी। प्रशासन मूर्ति स्थापना की व्यवस्था में लगा है, लेकिन आमजन की मांग है कि पहले आरोपी को पकड़ा जाए और उसके बाद विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। थाना प्रभारी संजय वर्मा ने अपनी टीम को भेजकर जांच पड़ताल शुरू की और स्वयं घटना स्थल पर मौजूद है। जानकारी मिल रही है कि आक्रोशित भीड़ चक्का जाम करने में जुट रही है। बडनगर से श्याम पुरोहित की रिपोर्ट। समझा खड़े हैं या रूनीजा माधोपुरा के बीच में भगवान खाल पर स्थित नवग्रह मंदिर है और सावन मास चल रहा है। सावन मास में सावन सोमवार पर शिव भक्ति की लहर चारों ओर छाई है। कल भगवान शिव का इस मंदिर पर काफ़ी लोगों ने पूजा अर्चन किया, लेकिन आज रात्रि में अज्ञात बदमाशों द्वारा तनाव फैलाने के उद्देश्य से शिवलिंग को जलाधारी से उखाड़ कर साथ में ले गए, जिससे एक धर्म विशेष के लोगों में आक्रोश है। यहाँ पर भाटपलाना थाना प्रभारी और अपनी पूरी टीम के साथ पहुँच चुके हैं। लोगों की मांग है कि जिसने भी यह हरकत करी है उन लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। थाना प्रभारी अपनी टीम को अलर्ट कर चुके हैं और मुकदमा अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम कर इस मामले की पड़ताल में जुट चुके हैं। अब थोड़ी देर बाद थाना प्रभारी संजय वर्मा से भी चर्चा करेंगे कि सर क्या है मामला। चलता बड़ा आप चालू करो। हाँ बोलो। नवग्रह मंदिर पर आज काफ़ी हिंदू धर्मावलंबी उपस्थित हो चुके हैं, क्योंकि मामला ही एक ऐसा हो चुका है कि सावन के मास में शिवलिंग को जलाधारी से उखाड़ कर अज्ञात बदमाश ले गए हैं और सभी की एक ही मांग है, चारों तरफ एक ही मांग उठ रही है कि उन अज्ञात आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। पुलिस इस मामले में जांच पर जुट चुकी है। थाना प्रभारी संजय वर्मा ने अपनी टीम को अलर्ट कर मुकदमा कायम करने के लिए कुछ लोगों के साथ थाने पर रवाना किया है। हमारे बीच में ग्राम पंचायत माधोपुरा के सरपंच उपस्थित हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि ये कैसे पता पड़ा और कैसे हुआ। सर मतलब बताइए कैसे पता पड़ा इस मामले का। सुबह शायद जहाँ तक सुनने में आ रहा है रूनीजा के पूर्व सरपंच यहाँ पूजा करने आए थे, उन्होंने शिवलिंग की ऐसी स्थिति देखी। कल शाम तक तो ये बिल्कुल सही था, अपनी स्थिति में था। उन्होंने लोगों को सूचना दी, मेरे को भी फ़ोन आया अभी, तो मैंने भी यहाँ आकर देखा तो शिवलिंग यहाँ टूटा हुआ था, क्षतिग्रस्त था और शिवलिंग सूचना दे दी गई और FIR कराने भी गए हैं। यहाँ पर RSS विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और हर धर्म के लोग उपस्थित हैं। हमारे बीच में विश्व हिंदू परिषद के जिला कोषाध्यक्ष रावल साहब उपस्थित हैं, हम इनसे भी चर्चा करेंगे। रावल साहब आपको कैसे सूचना मिली? मुझे फ़ोन के द्वारा सूचना प्राप्त हुई यहाँ से कार्यकर्ता के द्वारा कि यहाँ पर जो प्राचीन मंदिर है भगवान शंकर का, तो वर्तमान परिदृश्य में भगवान शंकर आस्था का केंद्र है सभी हिंदू धर्म का, और जिन विधर्मियों ने यह घटना घटित करी है वो किसी जाति पंथ का हो कोई भी हो उस पर उचित से उचित कार्रवाई करे प्रशासन। यदि प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं होती है और पाया जाता है कि कोई विधर्मी इसमें है तो हिंदू समाज स्वतंत्र है, उस पर स्वतः कार्रवाई करेगा, अपने विवेक से कार्रवाई करेगा। आप प्रशासन को कुछ समय देंगे इस मामले में?
प्रशासन को जरूर समय देंगे, क्योंकि तत्काल तो कोई कार्रवाई होती नहीं है। ये इनकी जांच में उसे ढूंढे कौन है विधर्मी, यदि वो इनसे नहीं पाया जाता तो फिर हिंदू समाज स्वतः कार्रवाई करेगा। हिंदू समाज समय दे रहा है प्रशासन को, प्रशासन कार्रवाई करें, विधर्मियों को पकड़ें, और यदि विधर्मी पकड़े नहीं जाते हैं तो हिंदू समाज एकजुट होकर इस आंदोलन को छेड़ेगा और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कोई भी कड़ा कदम उठाने के लिए बाध्य होगा। ये बात रावल साहब ने कही। हमारे बीच में बजरंग दल के बापूजी चौधरी भी उपस्थित हैं। चौधरी साहब, आप काफ़ी तनाव में हैं, लेकिन बजरंग दल इसमें क्या भूमिका निभाएगा यदि आरोपी नहीं पकड़े गए तो? बजरंग दल का तो इतना ही है कि जो भी हुआ बहुत ही निंदनीय, और ये जो घटना हुई है हमारे कहीं ना कहीं हिंदू धर्म पर आघात पहुंचाने वाली बात है। अगर जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन और शासन ने इनके साथ में उचित कार्यवाही नहीं करी तो हिंदू समाज एवं बजरंग दल इसके लिए उचित कार्यवाही करेगा, उसकी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन एवं शासन रहेगी। पुलिस प्रशासन इसका जवाबदार रहेगा यदि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार नहीं किया गया। ये लगभग 100 वर्ष पुराना स्थान बताया जाता है, लेकिन इसका जन सहयोग से जीर्णोद्धार किया गया है और काफ़ी तनाव है लोगों में, चारों ओर काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो चुकी है, हर कोई यही बात कर रहा है कि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। ऐसा बाइक दे रहा हूँ।